है एवरीवन, सो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। सो कैसे हैं आप सब? सो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक जेल शेयर करने वाली हूँ जिससे मैं ध्यान रखती हूँ अपने पैरों का, यानी कि फुट का। तो मैं आप लोगों को ये डॉक्टर फुट का एक पूरा एक क्या बोलते हैं किट दिखा चुकी हूँ, जिसमें स्क्रब था एंड क्रीम था जो कि हमारे पैरों के लिए स्पा के लिए बहुत अच्छा था। तो ये एक जेल है जिसका मैं आज आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छा है। अब जैसे कि पता है बिजी शेड्यूल रहता है और हम अपने देखभाल नहीं कर पाते हैं पैरों की, और ख़ास करके पैरों में तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रैक हो जाते हैं, डेड स्किन जमा हो जाती है। तो ये मैं लास्ट कुछ मंथ से इसको यूज़ कर रही हूँ, जब से मैंने स्क्रब जो स्पा किया था उस टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही थी। बट मैंने सोचा चलो अब आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये आपके पैरों से सारी डर्ट स्किन जो होती है वो निकाल देता है, एंड जितने भी आपके पैर क्रैक होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसके अंदर है 40% यूरिया जेल है जो रिपेयर करता है एंड मॉइस्चराइज करता है आपके हील को, एंड नेचुरल एंड हेल्थी लुक देता है। कंटिन्यू टू नरिशिंग एंड इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर हील। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं, यूरिया जेल जो इसके अंदर 40% है उसके, कि वी ऑल नोज अबाउट क्रैक्ड हील, ड्राइनेस स्किन एंड डेड स्किन प्रॉब्लम, सो हेयर वी गेट अ न्यू सोल्यूशन। आई फाउंड अ ब्रांड दैट मेक्स अमेजिंग फिट केयर प्रोडक्ट लाइक 40% यूरिया जेल फ्रॉम डॉक्टर फुट। तो ये आपकी नेल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक करता है, एंड ये और भी अच्छे अच्छे काम करता है, जैसे कि आपकी रफ़ एंड ड्राई स्किन है उसको भी ठीक करता है। इसमें सैलिसिलिक एसिड है, एंड इसमें यूरिया जेल के साथ साथ इस जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, फॉर्मुलेटेड यूज़ किए हैं, वो सारे बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको जल्दी से जल्दी अच्छा रिजल्ट देते हैं और जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं आपकी स्किन में, आपके इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूँ, इसमें है यूरिया जेल विद यूरिया 40%, सैलिसिलिक एसिड 1%, कोकोनट ऑयल एंड टी ट्री ऑयल है इसके अंदर। प्रोवाइड इंटेंसिव केयर फॉर ड्राई एंड क्रैक्ड स्किन, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस एंड स्किन सॉफ्ट फिट। यूरिया जेल इज कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस इचिंग एंड प्रिवेंट ड्राई स्किन, स्केली स्किन। सो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर देती हूँ, आपको अपने गुनगुने पानी में पैर को डिप करके रखना है एंड टॉवल से पोंछ लेना है। उसके बाद से आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, मसाज करना है इससे, एंड अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो रिपीट, मतलब आप दो बार कर सकते हैं दिन में। एंड अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, चेक करना मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छा है, आप डेली अगर दिन में दो बार इसको यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा और बहुत जल्दी मिलेगा। बाकी सब जितने भी इन्ग्रीडियंट्स इन लोगों ने इसमें यूज़ किए हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोडक्ट है वो वेगन, क्रूपली फ्री एंड पैराबिन फ्री है। सो आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय। खड़ी हो ना, पीछे 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 और पीछे। अच्छा, पर्स में रखी और तुम्हारे कपड़े में कलर हो गई, अपने आप से हो गई है? अच्छा, अब ये कपड़े गंदे हो गए, इस पे से ये लिपस्टिक छूटेगी? ये कपड़े खराब कैसे हुए तुम्हारे? ये कलर छूट जाएगा, अब छूट जाएगा ये? उठक बैठक लगाओ कान पकड़ के, जल्दी 10 काउंट करो, 3 फिर 3 के बाद क्या आता है करो, फिर
फाइव अब नेक्स्ट टाइम गंदे मत करना। सो गाइस मैंने यहाँ पे जो है बच्चे पढ़ रहे थे, टैनी बोली मुझे भी पढ़ना है मुझे भी पढ़ना है करके ऐसे बोल रही थी, तो मैंने यहाँ पे उसको दे दिया। देखिए वो बनाना सीख रही है, चीज़ें करना सीख रही है और अच्छा लग रहा है। ए अपने आप बना लेती है बिना उसके, मतलब वो नहीं होता उसमें कि उसको खुद से बना लेती है, डॉट डॉट नहीं देने पड़ते, वन बना लेती है खुद से, तो चीज़ें भी सीख रही। बी बनाने में दिक्कत होती है उसको, तो सी मैंने कहा चल थ्री डॉट ऐसे लगा के देती हूँ ऐसे करना है, तो उसने थोड़ा ऐसे ऐसे किया है, बट अभी सीख जाएगी चीज़ें धीरे धीरे। और बहुत अच्छा लगता है उसको जब पढ़ती उठती है तो बोलती है मेरे को काम दो मैं भी करूँगी। तो देखिए आप लोग कितना उस ध्यान से काम करती है, और स्पीड इतनी है कि आप देख के 10 मिनट के 5 मिनट नहीं बट पाओगे तब तक तो लोग होके आ गए। लो ये देखिए ए वन, ये मैंने उसको दिया था वन ए वन और उसने बना भी दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे हो रहा है बर्थडे और मम्मी के लिए। मैंने तो सच बताऊँ मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है सिंपल ने किया है ये सारा डेकोरेशन वगैरह। मम्मी का बर्थडे मेरे सामने तो ये शायद ऐसा फर्स्ट बर्थडे है, ठीक है, तो ये इन लोगों ने सिंपल ने किया है जो भी किया है जैसा भी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देख के, मन थोड़ा सा अच्छा अच्छा हो गया। मम्मी का बर्थडे था, मम्मी भी खुश थी, और हम लोगों ने घर ही घर में जो भी इन्जॉयमेंट हो सकता है वही कर सकते तो वही किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और टैनी सोच रही थी यहाँ पे कि मेरा बर्थडे है, तो टैनी अपने बर्थडे में, टैनी सोच रही थी मेरा बर्थडे मैं करूँगी, मम्मा मैं काटूँगी केक, मैं काटूँगी केक। और ये कैंडल कितनी देर तक जलाई थी, ये जली तो जली नहीं, और टैनी कर टैनी डर से आग कान बंद कर लिए, अब वो हो ही नहीं रहा, वो जल ही नहीं रहा, कितना देर तक ट्राई किया कितना देर तक हो जाए बट हो ही नहीं रहा था। और मैं टैनी को देख के इतनी ज़ोर से हंसी आ रही थी, इतना डरती है वो कैंडल वगैरह से, वैसे हम उसको इन चीज़ों से दूर ही रखते हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना डेकोरेशन क्या हो रही है वो भी नहीं पता था, नीचे ये सब क्या हो रहा है क्या बोलते हैं मतलब केक कौन सा आ रहा है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था मुझे, बस ये जैसे मम्मी को ये सरप्राइज़ मिला ऐसे मुझे ये सरप्राइज़ जैसा ही लगा, मैं बस तैयार होके ऊपर पहुँच गई, तैयार बनने से नॉर्मली ऐसे बस। और ये लोग गुब्बारे को भाड़े बड़ा है फोल में, उसमें भी डर लग रहा था। कभी कभी ऐसे घर में फैमिली के साथ इन्जॉयमेंट कर लो अच्छा लगता है, और आप लोग भी ऐसी छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीख लीजिए, अच्छा लगता है छोटी छोटी खुशियों में फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड हो जाता है। और यहाँ पे आ गया है खाना, और मेरा खाना यहाँ से मैं क्या है पाव भाजी, बाकी सबका खाना अलग अलग है, बट मैं सिर्फ पाव भाजी इसलिए खाई क्योंकि मेरे पे ज़्यादा नहीं खाया जाता, मैंने सिर्फ डेढ़ पाव खाया होगा बस, इससे ज़्यादा मेरे पे खाया नहीं गया, बाकी सब खा रहे थे, और मुझे देख के भी खाना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ये खाना खाऊं।